हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य कर्णवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर। आज जो एक नया टॉपिक आपके सामने मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो बहुत सारे लोग महसूस करेंगे कि उनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। वो आज का जो टॉपिक है, जॉइंट पेन्स। देखिए, जॉइंट पेन्स बहुत सारे लोगों को आजकल मैं देखता हूँ कि हमें फ़ोन पे भी आता है कि सर हमारे कंधे में दर्द है या हमारे घुटनों में दर्द है। हमारी कोई उम्र ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी जब सुबह उठते हैं तो थकावट महसूस होती है। तो आयुर्वेद ने जो पेन्स या जॉइंट पेन्स में, चाहे वो मेजर जॉइंट है, चाहे वो माइनर जॉइंट है, चाहे वो मस्कुलर पेन है, कोई भी पेन, वो क्या कारण है उसका होने का, आयुर्वेद इसको वायु से जोड़ती है, वात। मैं पहले की वीडियोस में और अभी भी आपको बताना चाहूंगा, वात, पित्त, कफ, ये तीन पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड होता है या कोई भी ट्रीटमेंट चिकित्सा आयुर्वेद में की जा सकती है। जो भी कोई रोग है उसको पहले इन तीन पैरामीटर से जोड़ा जाता है। और जो वायु है, अगर आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो आपको जॉइंट पेन जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। आपको सुबह उठकर कभी भी फ्रेश महसूस नहीं होता, या आप सुबह जब उठते हो तो मॉर्निंग स्टिफनेस, ये सब सारे सिम्टम्स आपको आती है। आपको बेचैनी, घबराहट, बंद लिफ्ट में आपको घबराहट या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल, ये सारे सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो जॉइंट पेन्स आपको मैं जैसे बताया कि वायु से जुड़े हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वायु किन किन कारणों से आपके शरीर में इम्बैलेंस होती है। मुख्य कारण जो वायु का इम्बैलेंस है, वो पहला कारण, आपका खाना जो आप खाते हो वो शरीर में प्रॉपर ना पचना। उसको टेक्निकली आयुर्वेद में आमा भी बोला जाता है, आमा भी कहा जाता है। तो अगर वो खाना आपका सही तरीके से नहीं पचता या बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो वायु को उत्पन्न करता है, बै को उत्पन्न करता है। और बै वर्ड हम बहुत सारे लोग समझते भी हैं, बहुत लोग इस कहते भी होंगे कि नहीं, इसकी बॉडी तो बैवादी है। तो जो ये बै है, यही मुख्य कारण आपके जॉइंट पेन का है, जो आपके जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। अगर आप इनिशियली इस चीज को पहचान कर उस बै को, उस आम को निराम अवस्था में लेके आए, मींस आम को प्रॉपरली ठीक कर दें, तो वो समस्या बड़ा किसी एक डिजीज का रूप नहीं लेती। और अगर वो किसी भी अवस्था को आप बिना इग्नोर करते रहें, तो वो एक नए डिजीज या एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। उसमें चाहे वो गठिया है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस है, बहुत लोग कह देते हैं कैल्शियम कम हो गया, बहुत लोग कहते हैं कि हड्डियां कमजोर हैं, बहुत लोग बोल देते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसलिए आपकी मांसपेशियों में दर्द है। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि मांसपेशियां या ये जो नर्वस सिस्टम है, इसको हमने किस तरह अपने नेचुरल वे में से ठीक रख सकते हैं। अगर हम रात को बैवादी खाना ना खाएं या रात को लघु आहार, मतलब हल्का खाना खाएं, तो हम अपनी इस समस्या का हल घर पर ही ढूंढ सकते हैं। मतलब आपको चावल, अरबी, गोभी, भिंडी, राजमा, इन सब का उपयोग रात को नहीं करना चाहिए, चाहे वो सफेद चने हैं, चाहे वो राजमा है, चाहे आपके काले चने हैं। ये सारी जो रात को आप सेवन करते हो, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बै उत्पन्न करती है, वायु को इम्बैलेंस करती है। दूसरा मुख्य कारण वायु को बढ़ाने का है, वो है आपका स्ट्रेस। जब आप किसी भी बात का बहुत ज़्यादा चिंतन करते हो, आपको रात को नींद नहीं आती, या आप बेचैनी से सोते हो, या आप रात को बहुत ज़्यादा आपके जो आपको बहुत सपने आते हैं,
सपनों में भी आपको कोई दुर्घटना से जुड़े हुए कोई भी सपने आते हैं तो वो भी आपकी भय के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। इन चीजों को भी आपको साम्यावस्था में मतलब कि आपके जो मन है उसको शांत रखना पड़ेगा, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे योगा है, चाहे आयुर्वेदा है। इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जिससे आप अपने मन को, विचलित मन को शांत रख सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीजों का ख्याल रखें तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। आप पहले छोटे से उचित सिम्टम्स को पहचानना या अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करोगे तो आप वायु को या वात को बहुत इजीली घर पर रहकर भी बैलेंस कर सकते हो और बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। देखो, चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर बहुत 131 साल हो गए हमें इस सेवा में। मैं अपनी फैमिली का फोर्थ जनरेशन हूँ जो इस सर्विस में, ह्यूमैनिटी में दुनिया को सर्व कर रहा हूँ। तो हमारा शुरू से उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हमने सबको बीमारियों को कोई दवाई दे के ही ठीक करना है। हाँ, हम बीमारियों को ठीक करते हैं या हम लोगों का इलाज करते हैं जो अपना इलाज खुद करने में असक्षम है, जो अपना इलाज अपने आप का घर पर नहीं कर पाते, हम उनको ज़रूर हेल्प करते हैं। पर हमारी कोशिश होती है कि उनके इलाज के साथ साथ हम उन्हें ये भी गाइड करें या हम ये भी अवेयर करें कि वो अपने किन किन चीज़ों को या कैसे लाइफस्टाइल को अपनाएं ताकि वो बीमारी या वो समस्या उनको पूर्ण रूप से ठीक हो जाए और कभी भी लाइफ में दोबारा ना खड़ी हो। तो इसी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।